अपराध हिंसा की जांच की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को दिया गया है और याचिका में चुनाव बाद की हिंसा की वजह की जांच की मांग की गई है और इसके लिए SIT बनाने की मांग की गई है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो SIT से जांच करवाने की याचिका पर नोटिस जारी, सीधा चलेंगे संजय शर्मा। संजय, कोर्ट का रुख क्या था इसको लेकर? कोर्ट का रुख, इस पे संक्षिप्त सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया है। हालांकि इसमें आश्चर्यजनक ये भी है कि ममता बनर्जी, उनको व्यक्तिगत रूप से इसमें पक्षकार बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 3 इनको नोटिस जारी किया है, जिसमें पहले में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग है यानी निर्वाचन आयोग, इन तीनों को नोटिस जारी किया, ममता बनर्जी को नोटिस जारी नहीं किया गया। यानी कोर्ट ने यह माना है कि पश्चिम बंगाल सरकार का रुख ममता बनर्जी का ही रुख होगा और इसलिए 4 हफ्ते में इनसे जवाब तलब किया गया। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई में इन तीनों के जवाब क्या आते हैं, जिस पर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जिस तरह से रुख है पश्चिम बंगाल सरकार का, उसे देखते हुए वो इस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी और ये बताएगी कि उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस की जांच इसमें हो रही है और वो संतुष्ट है उससे, वो नहीं चाहते कि किसी और एजेंसी से, SIT से या उससे इसकी जांच कराई जाए। लेकिन कोर्ट का रुख ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये देखने में कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार के जवाब पर क्या रुख होता है। बिल्कुल संजय, लेकिन इसमें साथ ही साथ दो चीजें और कही गई, पहली बात मुआवजे का जिक्र और दूसरा सुरक्षा की भी बात है। जी हाँ बिल्कुल, ये भी कहा गया कि याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पीड़ित परिवार हैं उन सारे लोगों को सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही जो लोग मारे गए हैं या जो लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद दे या उनको मुआवजा दिया जाए। इस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा कि वो आखिर इसमें क्या जवाब देती है, क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं अब तक, या क्या कदम उठाने जा रहे हैं, उसकी जानकारी जरूर उनके जवाब में होगी। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए, शुक्रिया संजय शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। संजय शर्मा मेरे से अभी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।